आजाद नेशन न्यूज पैनी नजर हर खबर। थाना विशारतगंज के गांव अतरचड़ी के रहने वाले दिनेश कुमार अपनी पत्नी के साथ इंसाफ की गुहार लगा रहे थे और बार बार एसएसपी कार्यालय आकर धरने पर बैठकर अपने बेटे की बरामदगी के लिए गुहार लगाते थे। हर बार पुलिस की तरफ से आश्वासन देकर दंपति को एसएसपी कार्यालय से भेज दिया जाता था, तो वहीं आज पति पत्नी एसएसपी कार्यालय पहुंचकर आत्महत्या की धमकी देने लगे। पीड़ित क्या ना करे, जब 7 महीने से पुलिस के दरवाजे खटखटा रहा है तो वह बूढ़े माँ बाप का गुस्सा तो बनता है, लेकिन समझने वाली बात तो ये है कि 7 महीने से अब तक उसका बेटा क्यों नहीं मिल पाया। कार्यालय के गेट पर कई बार धरने पर बैठे थे माँ बाप, आज गुस्से में आकर अपराधियों को जेल भेजने की कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। बूढ़े माँ बाप गुस्से में आकर आत्महत्या की बात करने लगे थे। इसी बीच एसएसपी ने बूढ़े माता पिता को जबरदस्ती गाड़ी में बैठा कर थाने भेज दिया। क्या मामला है? एक ये पति पत्नी आए थे, इनका जो लड़का है कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले ये दूसरे जनपद चला गया था घर से झूठ बोलकर किसी महिला मित्र से मिलने के लिए, और उसके बाद से उसका ट्रेस आउट नहीं हो पाया था। पुलिस के द्वारा इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था और उसको खोजबीन का पूरा प्रयास चल रहा है, और उसमें इनके द्वारा कुछ मांगे की जाती हैं कि इसमें ये चीज़ें की जाएँ। पुलिस द्वारा उसमें सभी तथ्यों पर पूर्व में विवेचना की जा चुकी है, और जो भी वो कहते हैं वादी पक्ष कहता है उसके आधार पर इसमें कार्रवाई की जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें वो ऐसे कहते हैं जिसमें विवेचना में वो चीज़ें संभव नहीं है, तो इस आधार पर इनको समझाया बुझाया गया बहुत बार, और इसमें जो विवेचना है वो निष्पक्ष तौर पर जारी है, और इसमें इनके जो पुत्र हैं उनको ढूंढने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। क्या लगता है लड़के का अभी तक बरामद ना होना काफ़ी लंबा समय हो गया, लड़की पर भी आरोप लगा रही है? हाँ, इसमें ये कुछ लोगों पर आरोप लगा रहे हैं जिसके एवज में पुलिस के द्वारा पूरी छानबीन और विवेचना सभी साक्ष्यों के आधार पर की जा चुकी है, और भी साक्ष्य इसमें जुटाए जा रहे हैं, और इसमें निष्पक्ष विवेचना प्रचलित है। आजाद नेशन न्यूज पैनी नजर हर खबर।